subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे नीतिशास्त्र के प्रश्न पत्र के उत्तर लेखन के संदर्भ में जो कुछ गलतियां हो रही हैं या कुछ इंटेलेक्चुअल ब्लंडर हैं जो हो सकते हैं, जो किसी YouTube की वीडियो को देखने के बाद आपसे भी हो सकते हैं या किसी अन्य से भी हो सकते हैं, उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। और इसका उद्देश्य ये है कि ताकि जो बहुत सारी गलतियाँ हैं, भ्रांतियाँ हैं, उन गलतियों और भ्रांतियों से विद्यार्थी या तैयारी करने वाले प्रतिभागी अपने आप को बचाते हुए सही तरीके से सही बातों के साथ उत्तर लेखन कर सके। 2018 की आईएएस मुख्य परीक्षा के होने के बाद कुछ उत्तर, मॉडल उत्तर यूट्यूब वीडियोस के रूप में अपलोड किए गए। जिन मॉडल उत्तर को सुनने के बाद, देखने के बाद बहुत सारे विद्यार्थियों ने क्लास में आकर या क्लास के बाहर हम लोगों से कुछ सवाल पूछे, और उन सवालों को संबोधित करते समय ये ऐसा लगा कि दरअसल सवाल गलत चीज़ों पर पूछे जा रहे हैं और इन गलतियों का स्रोत एक जैसा है। और सबसे दुखद पहलू इसमें ये है कि गलतियां करने वालों को इस बात का अफसोस तक नहीं है कि वे गलत कॉन्सेप्ट को बताने के बावजूद भी अगर ये बात पता लगती है तो उन्हें अपने वीडियोस को हटा लेना चाहिए। अगर एक सर्जन के द्वारा गलत सर्जरी कर दिया जाए तो मरीज की जान पर बनाती है। अगर एक फिजिशियन के द्वारा गलत मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दिया जाए तो भी मरीज का जीवन खतरे में पड़ सकता है। अगर एक मैनेजर के द्वारा गलत डिसीजंस लिए जाएं तो उसका प्रभाव भी बहुत सारे लोगों पर पड़ता है। इसी तरह से अगर एक अध्यापक के द्वारा कॉन्सेप्ट्स को गलत बताया जाए तो उसका भी प्रभाव बच्चों पर, उनके करियर पर बहुत दूरगामी हो सकता है। पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं गलत ज्ञान या गलत कॉन्सेप्ट की वजह से। इतिहास इस बात का गवाह है। और आज जो मैं बात ये कह रहा हूं वो पिछले 4-5-6 महीने के पूरे वास्तव में अध्ययन अध्यापन के संदर्भ में ये बात कह रहा हूं। हिंदी माध्यम के रिजल्ट के खराब होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण मार्गदर्शकों के द्वारा ईमानदारी का न बरता जाना है, प्रोफेशनल ऑनेस्टी का नहीं होना है। 7 इंटेलेक्चुअल ब्लंडर्स हैं जो उत्तर लेखन बताते समय कुछ लोगों के द्वारा किए गए और उनके गलत सवालों की वजह से या उनके गलत कॉन्सेप्ट्स की वजह से बहुत बड़े स्तर पर विद्यार्थियों में भ्रांतियां भी फैली होंगी। कुछ भ्रांतियों से हम लोग परिचित हुए। सबसे पहला ब्लंडर ये है कि अगर 3 बेसिक यूनिवर्सल सिविल सर्विसेज के क्षेत्र के वैल्यूज पूछे जाएंगे और आप ये बताएंगे कि कमिटमेंट और प्रिजर्वेंस ये 2 वैल्यूज हैं, तो बताने वाला ये भूल गया कि कमिटमेंट बेसिक वैल्यू नहीं है। किसी भी डिक्शनरी को उठाकर देखिए, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी को उठाकर देखिए, तो दरअसल कमिटमेंट जो शब्द है वो प्रॉमिस और एक्ट से मिलकर बना है।
और जो चीज किसी से किसी मूल्य से मिलकर बन रही है वो बेसिक कैसे होगी? दरअसल कमिटमेंट बेसिक वैल्यू नहीं है, वह दरअसल हायर वैल्यू है। और सवाल में बेसिक वैल्यू पूछा गया था। दूसरा ब्लंडर, कमिटमेंट प्राइवेट वैल्यू भी होता है, इसलिए सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में जब आप कोई वैल्यू बताने के लिए, कोई बेसिक यूनिवर्सल वैल्यू बताने के लिए आगे आएंगे तो कमिटमेंट से ज्यादा सटीक होगा कि आप ये बताएं कि डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस ये एक इंपॉर्टेंट वैल्यू है। लेकिन इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल है, लेकिन ये बेसिक वैल्यू नहीं है। जैसे हमारे देश में सिविल सेवकों के लिए यह अपेक्षा की जाती है कि वो कमजोर वर्गों के प्रति करुणा और सहिष्णुता रखें, लेकिन दूसरे देश जहां पर इतनी डिस्पैरिटी नहीं है वहां पर सिविल सेवकों के लिए ये अपेक्षित मूल्य के रूप में स्वीकार किए जाए यह आवश्यक नहीं है। इसलिए पहली गलती तो यह है कि कमिटमेंट को बेसिक वैल्यू बताया गया। कमिटमेंट बेसिक वैल्यू नहीं है। बेसिक वैल्यू वे होते हैं जो किसी दूसरे वैल्यू को प्रीसपोज करते हैं, जिनके ऊपर दूसरे वैल्यूज आधारित होते हैं। कमिटमेंट खुद किसी दूसरे पर आधारित है। दूसरी बात ये कि कमिटमेंट जो है वो प्राइवेट वैल्यू, प्राइवेट एथिक्स का एक वैल्यू भी होता है, इसलिए डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस सिविल सेवा के क्षेत्र से संबंधित एक मान्य वैल्यू है। तीसरी बात यह, तीसरा ब्लंडर ये कि कुछ शब्द आपस में साथ प्रयोग किए जाते हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि वे उनका अर्थ मिलता जुलता हो जाता है। सार्वभौमिक और शाश्वत दोनों का मतलब एक नहीं होता है, और अगर एक होता है तो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के शब्द समूह में सार्वभौमिक शब्द के जगह शाश्वत शब्द का प्रयोग हम क्यों नहीं करते हैं? सार्वभौमिक और शाश्वत इंटरचेंजेबल कंप्लीट सिनोनिम नहीं है। और कंप्लीट सिनोनिम क्या है, ये डिफरेंट टर्म है। शाश्वत जो काल की दृष्टि से जो या तो सार्वकालिक हो या कालातीत हो, इंड्यूरिंग थ्रू ऑल टाइम्स हो या टाइमलेस हो, और सार्वभौमिक जो किसी स्थान के किसी देश के सापेक्ष न हो। इसलिए यह भी एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। और इस ब्लंडर का खामियाजा क्या होगा, जब 2013 के पेपर पे एक सवाल कोई बच्चा देखेगा कि कुछ लोगों का मानना है कि मूल्य समय और परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं, जबकि कुछ का दृढ़ विश्वास है कि मूल्य सार्वभौमिक व शाश्वत होते हैं, तो अगर किसी विद्यार्थी ने ये कॉन्सेप्ट बनाया है कि सार्वभौमिक और शाश्वत एक जैसे शब्द हैं, एक शब्द है, तो वो इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं लिख पाएंगे। चौथी बात यहां पर ये कि मूल्यों का वर्गीकरण सार्वभौमिक और विशेष मूल्य में करना कंट्राडिक्शन इन टर्म है, इंटेलेक्चुअल ब्लंडर है, द मोस्ट इंटेलेक्चुअल ब्लंडर। करने वाले को ये पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए थी कि मूल्य होता क्या है और क्या विशेष मूल्य जैसी कोई अवधारणा हो सकती है। मूल्य सेट होते हैं, इंड्यूरिंग बिलीफ्स होते हैं। मूल्य को अगर हमने विशेष कहा
तो मूल्य की अवधारणा ही खत्म हो गई। प्रोफेसर नित्यानंद शर्मा ने अपनी किताब में लिखा है कि मूल्य की सत्ता नहीं होती, ये किसी विशेष प्रकार की सत्ता नहीं है, ये दरअसल विभिन्न वस्तुओं के बीच के संबंध को कहते हैं। आरवी पैरी ने लिखा है कि मूल्य रुचियां हैं, या रुचियों से जिन विषयों में हमारी रुचि होती है उन्हें हम मूल्यवान मानते हैं। और डब्ल्यू एम अरवन के अगर क्लासिफिकेशन को देखेंगे तो कहीं पर भी वो यूनिवर्सल और पर्टिकुलर का कोई क्लासिफिकेशन नहीं करते। दरअसल पर्टिकुलर चीज और यूनिवर्सल का जो क्लासिफिकेशन है ये फिलोसफिकल क्लासिफिकेशन है जो वैल्यूज पर लागू नहीं होता है। इसके अलावा ये कहना कि ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी एक जैसे हैं ये भी एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, ये पांचवा ब्लंडर है। इंटीग्रिटी वहां खड़ी हो, इंटीग्रिटी का मुद्दा वहां खड़ा होता है जहां हम बट जाते हैं। ऑनेस्टी का सवाल वहां खड़ा होता है, ईमानदारी वहां पर प्रश्न के अधीन होती है जब हम कुछ छिपाते हैं, निजी हितों का खुलासा करने से मना करते हैं। छठवां ब्लंडर, प्रॉबिटी इन पब्लिक लाइफ और इंटीग्रिटी ये दोनों एक चीज नहीं है। मेरे कार्यों को जब मूल्यांकन का विषय बनाया जाएगा ये देखा जाएगा कि मैं उद्देश्यों के दृष्टि से जब मैं कुछ करता हूं तो मैं बटा तो नहीं हूं, तो ये इंटीग्रिटी है। मेरे कार्य मूल्यांकन के जब विषय होंगे तो ये इंटीग्रिटी है। और मेरे भ्रष्टाचार पर, मेरे दहेज पर, मेरे वास्तव में सरोगेसी पर जो विचार हैं वो प्रॉबिटी इन पब्लिक लाइफ से जुड़े हैं, जुड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, एक बहुत बड़ा जो ब्लंडर है वो ब्लंडर ये भी किया गया है कि जब मूल्यों को बताया जा रहा है या जब पूरे वास्तव में वैल्यूज को बताया जा रहा है तो 2013 के सवाल को बिना सोचे समझे उसकी नकल की गई कि लोक सेवा के क्षेत्र में निम्नलिखित से क्या आशय है, और उसमें इंटीग्रिटी, प्रिजर्वेंस और कमिटमेंट दिया गया, तो उत्तर देने वाले ने उसी को तीन बेसिक वैल्यू बना दिया। इंटीग्रिटी बेसिक वैल्यू है तो हायर वैल्यू क्या होगा? क्या सच्चाई और ईमानदारी की तरह सत्यनिष्ठा भी उतनी ही बुनियादी होती है जितना कि सच्चाई और ईमानदारी? यहां पर एक बहुत बड़ा ये सवाल है। दरअसल मूल्यों के मूल्यों के संदर्भ में उत्तर देते समय एक ब्लंडर ये भी है कि पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी और नॉन पार्टीजनशिप ये दोनों एक चीज, बिल्कुल एक चीज नहीं है। एनरी हेवुड की किताब जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि राजनीतिक सहानुभूति और झुकाव की अनुपस्थिति होना राजनीतिक तटस्थता है। और ये कहना कि चीन में राजनीतिक तटस्थता की अपेक्षा नहीं है, चीन की राजनीतिक प्रणाली के समझ को और राजनीतिक तटस्थता के मूल्य को नकारना है। क्या जहां पर राजनीतिक दल होते हैं वहां कई राजनीतिक दल होते हैं, वहीं पर सिविल सेवकों को राजनीतिक तटस्थता की जरूरत होती है? जहां पर लिस्ट सिस्टम से इलेक्शन होते हैं और जहां पर एक ही पार्टी के कई कैंडिडेट खड़े होते हैं, क्या सिविल सेवक को वहां पर अलग अलग कैंडिडेट के संदर्भ में राजनीतिक तटस्थता की आवश्यकता नहीं होती? अगर चीन का प्रशासक
वहां की राजनीतिक पार्टी के किसी एक लिस्ट सूची से जारी किसी एक कैंडिडेट का पक्ष लेता है, दूसरे की उपेक्षा करता है, तो यह भी तो राजनीतिक तटस्थता के मूल्य का उल्लंघन हुआ। इसलिए राजनीतिक तटस्थता चीन की में जरूरत नहीं है और भारत में या दूसरे देशों में जरूरत है। ये इसलिए हुआ, ये इसलिए बताया गया क्योंकि राजनीतिक तटस्थता को केवल राजनीतिक दलों से तटस्थ होने के संदर्भ में समझा गया। एक ही राजनीतिक दल के कई व्यक्तियों के चुनाव में खड़े होने पर भी या दूसरी राजनीतिक गतिविधियों में भी केवल फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम में ही नहीं बल्कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में भी या लिस्ट के प्रविधि से जहां पर इलेक्शन होता है वहां पर भी प्रशासनिक अधिकारियों को पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी की जरूरत होती है। और इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टीजनशिप और पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, ये तीनों बिल्कुल एक चीज़ें नहीं हैं। अगर ये एक चीज़ें होती तो फिर हम एक की जगह पर दूसरे का आसानी से इस्तेमाल कर सकते। दरअसल नॉन पार्टीजनशिप सामाजिक स्तर पर भी किसी भी झुकाव की अनुपस्थिति की बात करता है। इम्पार्शियलिटी प्राइवेट लाइफ का भी वैल्यू है, लेकिन पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी केवल राजनीतिक स्तर पर झुकाव और हमदर्दी की अनुपस्थिति की बात करता है और वह प्राइवेट लाइफ का वैल्यू नहीं है, वह प्राइवेट एथिक्स का वैल्यू नहीं है, वह पब्लिक एथिक्स का वैल्यू है। जबकि इम्पार्शियलिटी प्राइवेट एथिक्स का भी वैल्यू हो सकता है, यह भी एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। ये जो 7 ब्लंडर्स हैं, ये ब्लंडर ये बताते हैं कि हिंदी माध्यम में एक शिक्षक के संदर्भ में चुनौती ये भी है कि वो केवल सही पढ़ाए ही नहीं बल्कि गलत उठने वाले सवालों को भी उसका भी वो प्रतिउत्तर दे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये गलती है तो प्रोफेशनल ऑनेस्टी ये कहती है कि ऐसे वीडियोस को हटा लिया जाए और बच्चों से इस बात के लिए माफी मांगी जाए कि ये कॉन्सेप्ट गलत बताने पर हमें खेद है। इस विषय पर अगर किसी भी तरह का कोई भी संदेह है तो आप विभिन्न स्रोतों से पड़ताल भी कर सकते हैं। आप डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग का एथिक्स का जो मॉड्यूल है वो ऑनलाइन अवेलेबल है, उसमें वैल्यूज को पढ़ सकते हैं। आप अर्बन या आरबी पेरी की किताब से पढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने तर्क और अनुभव, पीछे पूछे गए प्रश्न, इन तीनों का अगर ऑब्जर्वेशन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो कुछ चीजों को मानने पर जैसे ही आप उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब कि जो माना गया है, सपोजिशन हो सकता है कि वह गलत हो। इन 7 इंटेलेक्चुअल ब्लंडर से बच्चों को बचने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।